आज रात मैं अकेला था तो मेरे खुरापाती दिमाग के घोड़े दौड़े और फिर मैंने रूम की कुंडी लगा के अपनी कोठे वाली लाइट से रूम को जगमगा के मूवी देखने का सोचा। इस रंगीन माहौल में चार चांद लगाने के लिए मैंने ब्लिंकिट से कोरियन स्पाइसी नूडल्स और आइसक्रीम ऑर्डर की, पर सब कुछ मेरे प्लान्स के अकॉर्डिंग चले, ऐसा कभी हुआ है? शायद मेरी बुरी नजर मुझे खुद लग गई, पर जो बचा खुचा था उसी को मैंने बनाया। थोड़ा सा नूडल्स खाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ ये जहर मैं और नहीं खा सकता, इसलिए इसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। देन मैंने आइसक्रीम उठाई, फिर पता चला चम्मच तो मैंने मैगी के साथ ही फेंक दी थी, और इतनी सारी बकलेती करते करते मेरी आइसक्रीम मेल्ट होकर कोल्ड कॉफी बन गई। खैर मूवी बहुत अच्छी थी, फिर मुझे कंटेंट की कमी महसूस हुई तो मैंने सोचा कपड़े खरीद लेता हूँ। तो तैयार होकर रूम से बाहर निकला तभी गार्ड भैया ने हंटर का एवरेज पूछ लिया और मेरे आंसू निकल गए, जिन्हें छुपाकर और रोहित को अपने साथ बैठाकर मैं मॉल आ गया। रोहित को साथ लाने के पीछे का रीजन तो आपको पता ही है कि उसका ड्रेस सेंस काफी अच्छा है। थोड़े से कपड़े उठाने के बाद मैंने आउटफिट पर रिव्यू देने के लिए बलराम भैया को बुलाया। या 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 नो 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 योकी। एट द एंड मुझे मेरे बजट में कपड़े मिल गए जिसकी प्राइस थी 1 तिया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 57 तिया।